वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम चवी। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ स्टेक वर्की के इस प्रोडक्ट का। इसकी सारी डिटेल आपको आगे वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं जब भी एक नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और सब एक दूसरे के साथ बंधे रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लास्ट तक इसको लाइक दे दीजिएगा और बेल बटन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छे से नोटिफिकेशन आपके फोन के ऊपर मिल जाए। ठीक है जी, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है और इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टेक वर्की फाउंडेशन कंसीलर कंटूर कलर करेक्टर स्टिक। क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारे शेड्स आते हैं जो आपको यहाँ मेंशन कर दूंगी मैं। सो आप इसके अंदर आपको ऑरेंज करेक्टर, ग्रीन करेक्टर, येलो करेक्टर और काफी सारे फाउंडेशन के शेड्स मिल जाते हैं जिसके साथ आप अपने फेस को अच्छे से कवर कर सकते हो। एज अ बेस ये काम करता है। उसके बाद यहाँ पर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंशन है। इसका एक स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर जरूर मेंशन करूंगी। मुझे सिर्फ इस प्रोडक्ट की दो बातें जो है वो खटकती हैं। सबसे पहली बात ये है कि अगर पर्पल पे बोला जाता है कि स्टेक वर्की और जो भी ब्रांड्स हैं वो सारे क्रुएल्टी फ्री हैं या उनमें मिनरल्स नहीं है, उनमें पैराबिन्स नहीं है, बट इसके अंदर आपको पैराबिन्स मिल रहे हैं। इसके अंदर मिथाइल पैराबिन है और अगर इसके अंदर और भी केमिकल्स हैं तो आप कैसे कह सकते हो कि ये एक यू नो नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज किए गए हैं। तो इस चीज को देख के तो ऐसा नहीं लगता है। मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं गुड वाइब्स की बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे फेस को सूट करते हैं वो प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन स्टेक वर्की और पर्पल का जो अपना ब्रांड पर्पल है वो जो है उनके कुछ हाई एंड रेंज में आ जाते हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट्स जो है वो थोड़े महंगे हैं उनके उस साइट के ऊपर। तो मैंने जो भी अभी तक यूज किए हैं उनमें से मुझे सबसे जो महंगे वाले लगे हैं जो उनके अपने ब्रांड हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, जैसे NY हो गया या और भी मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पे, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। सो सभी जो कुछ अफोर्डेबल में आ जाते हैं, जैसे गुड वाइब्स हो गया, NY हो गया, वो अफोर्डेबल में आ जाते हैं। स्टेक वर्की पर्पल जो है वो थोड़े से एक्सपेंसिव, जैसे आप चले जाते हो थोड़े से रेंज जो है अप चली जाती है उनकी। उनमें से एक चीज ये है और इसका प्राइस भी कम नहीं है। इसका प्राइस भी है 425 रुपीज, रिटेल प्राइस है इसका, एमआरपी प्राइस है इसका। और ऑफ मिल जाए अगर आपको तो ये आपको कुछ 300-350 से लेके यहाँ तक जो है वो मिल जाता है, ठीक है। इसको मैंने भी कुछ इसी प्राइस पे लिया था। इसका नाम है लुक टू ग्लैम टू गिव अ डैम। मैं इसके काजल भी इस्तेमाल करती हूँ, मुझे बेहद पसंद है। मुझे व्हाइट कलर काजल इसका बहुत अच्छा लगता है। ब्लैक काजल भी मैंने यूज किया है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। बट इसमें जो पैराबिन्स वाली बात आ गई है वो थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंट कर रही है, क्योंकि पर्पल जैसे ब्रांड पर सब लोग यही विश्वास करके चीजें ले लेते हैं क्योंकि उनके ब्रांड जो है वो क्रुएल्टी फ्री है, मिनरल्स फ्री है, कोई भी उनमें पैराबिन्स नहीं है। बट इसमें पैराबिन्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, तो दैट इज लिटिल डिसअपॉइंटिंग। सो इसको खोल लेते हैं, अंदर का प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो इस तरह की ये एक स्टिक आपको मिल जाती है और इसके एक साइड पर आपको स्पंज मिलता है यहाँ पे, जो खास कुछ काम का आपको मतलब काम नहीं आएगा आपका। आप डैब करते हो ना तो मैं बताऊंगी आपको क्यों नहीं काम का है, आप थोड़ा वेट कीजिए। उसके बाद सेकंड साइड जब आप ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलता है और ये रिट्रैक्टेबल है। आप इसको जब रिट्रैक्ट करते हो तो ये प्रोडक्ट जो है हमारा बाहर आ जाता है इस तरह से, ये देखो। और सिर्फ इतना ही प्रोडक्ट है, सिर्फ इतना 425 रुपीज में सिर्फ इतना प्रोडक्ट। सो लिटिल डिसअपॉइंटिंग, मतलब 425 रुपीज कम नहीं होते यार। किसी के पास 500 रुपए एक कॉलेज गोइंग गर्ल या उनकी पॉकेट मनी होती है इतनी भी, मेरे को नहीं लगता इतनी भी होती होगी, मेरी तो नहीं थी इतनी भी। तो ये थोड़ा बहुत कम लगा मुझे अकॉर्डिंग टू प्राइस पॉइंट, बहुत कम है क्वांटिटी। तो चलिए इसको अप्लाई करके हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं क्योंकि ये टूट जाएगा अगर मैं इसको एज इट इज ही अप्लाई कर लूंगी। मैं अपना मिरर ले लेती हूँ। सो वन सेकेंड, मैंने प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ एंड दिस इज फ्रॉम IC इन कलर का प्राइमर है। ये बहुत अच्छा प्राइमर है, आपके स्किन को ब्लर आउट कर देता है, पोर्स को फिल कर देता है एंड आई लव दिस प्राइमर। पीछे थोड़े सॉन्ग चल रहे हैं, मेरे फेवरेट वाले हैं जो मेरे मूड को बहुत बूस्ट करते हैं वीडियो बनाते हुए। सो मैं अक्सर गाने सुनती रहती हूँ। उसके बाद चलिए इसको 2 मिनट सेट होने देंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइमर अप्लाई करने से पहले मैंने क्या क्या अप्लाई किया था। तो सबसे पहले मैंने ये स्विस ब्यूटी का गोल्डन स्किन केयर सीरम मैंने अप्लाई किया था, वन ऑफ दी माय फेवरेट सीरम, बहुत अच्छा सीरम है।
मैं रात को ज्यादा करके इसको अप्लाई करती हूँ, क्योंकि रात में हमें एक थोड़ा सा मॉइस्चराइजेशन की जरूरत होती है, कभी कभी शब्द ही नहीं आते। और प्लस आप दिन में भी इसको अप्लाई कर सकते हो, मुझे अक्सर इसकी वीडियो पर आते हैं कमेंट्स कि आप इसको रात में यूज कर सकते हो, तो यस गाइज आप इसको रात को यूज कर सकते हो एंड डे में भी आप इसको यूज कर सकते हो। बिफोर अप्लाइंग एनी मेकअप आप इसको अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने मुंह धोया और डायरेक्टली उसके बाद साफ करने के बाद मैंने इसको ही अप्लाई किया था एंड नेक्स्ट उसके बाद मुझे हल्की फुल्की मॉइस्चराइजेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेरा फेस ड्राई है, मेरी स्किन टाइप जो है वो ड्राई है। सो मैं ये यूज कर रही हूँ और ये है गुड वाइब प्लस का एलोवेरा प्लस वाइटमिन ई एज डिफाइनिंग मॉइस्चराइजिंग डे लोशन है ये। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये डे लोशन है और ये मेरा खत्म हो चुका है, अगर आप देख रहे हो ना ये खत्म हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे गुड वाइब्स या पर्पल के प्रोडक्ट पसंद नहीं है, ये ऑलमोस्ट फिनिश है, मेरा फिनिश बिल्कुल फिनिश है। तो आई लव दिस, मैंने इसे बहुत यूज किया है और इसका भी रिव्यू मैंने किया हुआ, अगर नहीं देखा है तो लिंक नीचे मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो चलिए इसको अप्लाई करके देख लेते हैं, बातें करते करते हमारा जो प्राइमर है वो सेट हो गया होगा। सो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं तो क्रीम प्रोडक्ट जो होते हैं वो इजीली अप्लाई हो जाते हैं। सर्दियों में हो सकता है आपको इसको अप्लाई करने में हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो, क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट्स इस तरह के जो होते हैं वो गर्मियों में थोड़े से टाइट हो जाते हैं, थोड़े से स्टिफ से हो जाते हैं सर्दियों में थोड़े से यूज करने में दिक्कत आती है, गर्मियों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो इसको मैं एक ब्रश के साथ ही करूंगी ब्लेंड, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये ब्यूटी ब्लेंडर से कोई अच्छे से ब्लेंड होगा, बिकॉज इट्स अ क्रीम प्रोडक्ट, लिक्विड नहीं है। सो आई एम मोर कम्फर्टेबल विद माई ब्रश। आप इसको हाथ से भी बहुत इजिली ब्लेंड कर सकते हो इनके साथ, आपके पास ब्रशेज नहीं है तो कवरेज की बात करूं तो मीडियम कवरेज है इसका, ठीक ठाक सी आपकी कवरेज आपको दे देगा ये। मेरे जो जैसे ये पिंपल का मार्क है तो ये हाइड नहीं हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये हाइड नहीं हुआ है। इसका शेड नंबर भी मैं आपको बता दूंगी, अगर आप मेरी स्किन टाइप के हो आप तो आप ये वाला शेड ले सकते हो। तो जस्ट मेरे को ब्लेंड करने दीजिए, मैं आपको उसके बाद अपना शेड जो है वो बताती हूँ। सो यस, ब्लेंड बहुत अच्छे से होता है, कवरेज इसका अच्छा है, कोई पैचीनेस नहीं हुआ है, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं है इसको अप्लाई करने में, बहुत अच्छे से मेरी सेकेंड स्किन जैसा ही लग रहा है। बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा कि मैंने कुछ स्टिकी या क्रीमी प्रोडक्ट मैंने कुछ लगा लिया, नहीं तो बहुत अच्छी फिनिश है इसकी और मुझे लगता नहीं इसको मुझे सेट करने की भी जरूरत पड़ेगी। बट हाँ, गर्मियां हैं तो आप अंडर आई को जरूर सेट करें। तो इसको सेकंड साइड पे भी मैं अप्लाई कर लेती हूँ, अभी बहुत इजीली ब्लेंड हो गया। इस तरह के प्रोडक्ट्स यहां पर क्रीज करते हैं अक्सर, तो ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छे से फ्लॉलेस है, सॉफ्ट है, वेटलेस है, मतलब पता नहीं चल रहा कुछ फेस पे लगाया हुआ है। सो इन दैट वे आई लव दिस प्रोडक्ट। बट वही जो दो बातें मुझे खटकती थी वो मैंने पहले ही आपको बता दी, इसका प्राइस पॉइंट प्रोडक्ट कम है, इसकी क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, इसकी क्वांटिटी है सिर्फ 6.5 ग्राम्स और इतने में आपको 425 रुपए पे करना थोड़ा सा मुझे तो चुभेगा, थोड़ा सा चुभेगा। सो मैं नेक पे भी थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लेती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ। इसको हल्का सा मैं बिल्ड करके आपको दिखाऊंगी कि अगर आप दोबारा इसको अप्लाई करते हो तो कैसा दिखता है, सिर्फ इस एरिया में मैं करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी। सो इसका रिजल्ट ठीक है गाइस, आप ये बिल्डेबल है, आप इसको बिल्ड कर सकते हो, दोबारा लगा सकते हो इसको। सो चलिए सम अप करते हैं इसके बारे में, क्या अच्छा है क्या बुरा है सब सम अप कर देते हैं लास्ट में। सो गाइस हल्का हल्का कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लेंगे हम इसके बाद, ताकि ये क्रीज नहीं करे अंडर आई में, और हल्का हल्का जो बच जाएगा ब्रश पे वो बाकी फेस पर हम अप्लाई कर लेंगे। तो इसके स्पॉन्ज की बात करना हम भूल गए। सो इसके स्पॉन्ज जो है वो काम का बिल्कुल भी नहीं है गाइस, जैसे आप इसको अप्लाई करते हो ना, मैं यहाँ बताती हूँ आपको, जैसे आप यहाँ इसको अप्लाई कर रहे हो तो आप इसको वैसे तो इतने छोटे ब्लेंडर के साथ आप इसको ब्लेंड ही नहीं कर पाओगे, लेकिन आप करोगे भी तो ये ना निशान बना देता है, गोल 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 जिस तरह का ये है उस तरह के निशान आपकी स्किन के ऊपर दिखने शुरू हो जाते हैं, देखो ना ये फेड ही हो जाता है। तो एक तो हम कहते हैं कि हमें वेट स्पॉन्ज यूज करना चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब ना हो, और यहाँ पर हमें सूखा स्पॉन्ज मिल रहा है तो इसको तो पहली बात तो हम गीला करने से रहे, कौन गीला करेगा इसको यार इतने छोटे से प्रोडक्ट को, अगर आप कर भी लेते हो तो भी ये मुझे कुछ ज्यादा काम का नहीं लगा है। तो करना चाहते हो तब कर सकते हो यूज, अगर आपकी एबिलिटी है इसको यूज करने की तो डेफिनेटली यूज कर दीजिएगा, बट मेरे अकॉर्डिंगली ये किसी काम का नहीं है।
सो गाइज आई एम डन विद माई मेकअप. मेकअप कैसे किया है तो अगर आप बोलोगे तो मैं रिक्रिएट कर दूंगी आपके लिए. सो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे किया है मेकअप मैंने फटाफट से किया आप लोगों के लिए. सो इसका अगर बोले तो मैंने आपको दो पॉइंट बता दिए जो मुझे पसंद नहीं है. उसके अलावा सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे हैं गाइज. आप देख सकते हो फ्लॉलेस लग रहा है मेरा फेस डेली वेयर में. आप इसको यूज कर सकते हो अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हो. इसकी फिनिश अच्छी आती है. जैसे फंक्शन इन द सेंस में ये नहीं कह रही कि आप शादी में जाके लगा के चले जाओ. नहीं वैसा नहीं है ये. आप जैसे नॉर्मल घरों में फंक्शन होते हैं छोटे मोटे फंक्शन होते हैं उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हो. वेडिंग के लिए नहीं बना है ये बिल्कुल भी नहीं बना है. सो ये है इसके कॉन्स एंड प्लस पॉइंट्स जो भी थे सब मैंने आपको बता दिए. वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हो इस प्रोडक्ट के बारे में. मैंने अभी तक जो भी बताया है उसके अकॉर्डिंगली आप क्या सोचते हो इस प्रोडक्ट के बारे में. आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप इसकी एप्लीकेशन या आप इसके रिजल्ट की बात करो तो हाँ ये अच्छा है. सिर्फ जो लगा मुझे प्राइस एंड पैराबेंस उसके अगर चलते हुए मुझे कोई कहेगा कि मैं दोबारा इसको परचेज करूंगी तो नहीं मैं इसको परचेज नहीं करूंगी. ठीक है. सो यस दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हो. मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर लिंक कर दूंगी आपको. नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा. यहाँ पर फ्लैश कर दूंगी. नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोला नहीं आता तो आप टाइटल पर क्लिक कीजिएगा. सिंपली कुछ नहीं करना होता है. टाइटल पर क्लिक करेंगे जो मैंने नीचे टाइटल डाला हुआ है वीडियो के वहां क्लिक करोगे तो आपको मेरे वीडियो का लिंक मिल जाएगा. सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा. व्हाट आई एम टॉकिंग टुडे. सो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा. वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए. हर एक यूट्यूबर एक कच्चा चिट्ठा जो होता है वो वीडियो का नीचे देता है. बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर. सो डू चेक आउट दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आप इस तरह की कोई वीडियो मिस ना करें. एंड जब भी मैं एक नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए. मैं मिलूंगी आपसे मेरी अगली वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल. बाय बाय. लव यू ऑल.